सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट स्टॉक मार्केट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। बात कर रहे टुमारोज मार्केट आउटलुक में। टुमारोज मार्केट आउटलुक जो हमने कल देखा था, आज मैक्सिमम चीजें वैसी हुई है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कहा था कि रियलिटी रेडी फॉर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखिए रियलिटी नीचे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए निफ्टी रियलिटी 6% आज ऑफ था। मेटल ने भी आज कल निगेटिव से, मैंने कहा था कि ये पॉजिटिव की तरफ जा सकता है, तो आज मेटल भी पॉजिटिव में था। आज मैक्सिमम सारे के सारे हम बोल सकते सेक्टर पॉजिटिव में थे, पर उसमें सबसे ज़्यादा जो मूव मिली है, आप यहाँ पे देख सकते हो इंडाइसेस के जितने, इंडाइसेस जितने हैं निफ्टी के, उसमें सबसे ज़्यादा अगर मूव दी है तो ऑटो सेक्टर ने और रियलिटी ने, रियलिटी ने सबसे ज़्यादा 6% मूव दी है, जो हमने कल कहा था। और हमने कल एक चीज़ और कही थी कि एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी इट इज स्ट्रांग। आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई थी, और मुझे लगता है जो हमें टुमारोज मार्केट आउटलुक जो हम सेशन कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और कल हमने जो कॉल दिए थे, मैं वो भी बताता आपको। सबसे पहला कॉल था अपना रेडिको, हम रेडिको का अगर शेयर, एक सेकंड मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, रेडिको, रेडिको देखिए आज बढ़िया मूव दिखाई। रेडिको आज उसका हाई था रेडिको का 988 रुपीज़, ऑलमोस्ट 2.5% रेडिको ने 2.5 से 3% मूव दिखाई है। और कल अपना एक दूसरा स्टॉक कौन सा था, कल हमारा दूसरा स्टॉक था टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी मैंने बोला था कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने वाला है, तो टाटा कॉफ़ी ने भी काफ़ी बढ़िया मूव दी है। यहाँ पे देखते हैं हम टाटा कॉफ़ी, टाटा कॉफ़ी देखिए आज टाटा कॉफ़ी हाई 220 तक गया था, हमारा 240 टारगेट था, कल 212 वगैरह था, आज 215 पे ओपन हुआ, 220 उसका हाई गया, ऑलमोस्ट 2.5% टाटा कॉफ़ी ने भी बढ़त दिखाई। तो गाइज टुमारो मार्केट आउटलुक जो हम कर रहे हैं उससे मुझे भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, शायद आपको भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा। और मैंने टाटा कॉफी में आज 1000 स्टॉक लेके इंट्राडे किया था, आई अर्न वेरी गुड मनी, ऑलमोस्ट 4-5000 रुपये आई अर्न टुडे फ्रॉम टाटा कॉफी। और रेडिको का मैंने भी उसमें कॉल लिया है, और रेडिको मेरे पास अभी भी मैंने होल्डिंग पे रखा है। पर मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, इसको आप डेली वॉच कीजिए तो आपको अलग स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो आज से, आज का हम चालू करते हैं, सॉरी कल के लिए चालू करते हैं आज से स्टडी, और टुमारो मार्केट आउटलुक देखते हैं अभी फर्स्ट निफ्टी का चार्ट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ओपन किया निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का अगर डेली का चार्ट हम देखते हैं तो मैंने कल कहा था कि पूरे कल यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, और पूरे कैंडल ने, लास्ट कैंडल बेरिश कैंडल ने दूसरे कैंडलों का एंगल कर लिया था। और आज भी आप देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, आज तो रेड पे ही ये मीन्स ओपन तो बहुत बढ़िया ओपन हुआ था, 17810 पे ओपन हुआ था, पर इसका लो गया था 17763, और इसका जो क्लोजिंग आया 17790 क्लोजिंग आया है। और हमने कहा था कि एक्सपायरी 300 के 500 के बीच में हो सकती है, पर एक्सपायरी जो हुई है निफ्टी की वो 17796 ऑलमोस्ट 800, और आज बढ़िया वैसे निफ्टी ने मुंह दिखाई। कल हमने कहा था कि, कल हमने देखा था कि बेरिश दिखा रहा है निफ्टी, पर मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी ऊपर थोड़ा जा सकता है, तो आज निफ्टी ने वैसे ही मुंह दी है, और निफ्टी में भी आज बहुत अच्छी अर्निंग हुई है मुझे ऐसा लगता है। कल निफ्टी मुझे लगता है कल से कुछ दिन तक निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। निफ्टी पूरा 18000 से 17400 यही बीच में काफ़ी दिन तक अभी वो गुजार सकता है, कुछ दिन तो गुजारिए 17400 और 18000 के बीच में, तो इसी में मुझे लगता है कुछ दिन इसमें रह सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी मुंह दी है। पर मुझे लगता है गाइस इंडेक्स, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, दोनों पे कॉशियस रहने का अभी थोड़ा वक्त आया है, और बॉट हुआ है, और मुझे लगता है ये दोनों इंडेक्स से अच्छा है स्टॉक वाइज अगर हम थोड़ा फोकस करेंगे तो यू विल अर्न द मोर मनी इन द स्टॉक्स। बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी हम पैसा कमा सकते हैं, मंथली एक्सपेंसेस आराम से निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी का एक मैंने वीडियो ऑप्शन स्प्रेड करके, मैं एवरी फ्राइडे मॉर्निंग 7:30 आपके साथ आ रहा हूँ, तो 7:30 मैंने अभी वीडियो डाल रखा है, और आप
सेट टू रिमाइंडर कर दीजिए, कल प्रीमियम 7:30 को ओपन होगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, मैंने एक स्ट्रैटेजी वहाँ पे बनाई है शॉर्ट स्ट्रैंगल की, और वो पूरी स्ट्रैटेजी के देख के आपको कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट सेल करना है, ये सब मैंने उसमें बताया है। और उस स्ट्रैटेजी से आप जाओगे तो आप 3 से 4, 5, 6 दिन में आपको अगले 14 अक्टूबर तक 4 से 5 हज़ार एक लॉट के ऊपर 10 से 15 हज़ार के इन्वेस्टमेंट के आप बना सकते हो। आपकी वित्तीय सलाहकार से बात करना है आपको इससे पहले, क्योंकि सारे वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो गाइस अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो मुझे दिख रहा है, यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट भी अगर डेली पे हम अगर जैसे देख रहे हैं, एक सेकंड, तो बैंक निफ्टी के चार्ट भी काफ़ी मुझे बुलिश लग रहा है। मैंने कल ही कहा था निफ्टी किससे कंपेयर मुझे बैंक निफ्टी अच्छे, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है थोड़ा मुझे कि PSU बैंक में मैं काफ़ी बुलिश हूँ, और मुझे लगता है प्राइवेट बैंक के भी रिजल्ट जो है आने वाले समय में अच्छे हो सकते हैं। और जो यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी बढ़िया है, बैंक निफ्टी मुझे लगता है 38,000 जा सकता है। मेरा एक्चुअली मेरा जो दिल जो कह रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से ये बैंक निफ्टी, यहाँ से देखिए ये पूरा जो ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है, और 38,300 तक हम छू सकते हैं। 38,300 के को किस करके हम थोड़ा और नीचे आ सकते हैं, पर 38,300 हम जाएंगे ऐसा मेरा दिल कह रहा है। राउंडिंग बॉटम ये इसका, ये पूरा बॉटम, ये कंडीशन बॉटम इसका ये कंप्लीट करेगा करके। तो कल हमें नज़र रखनी है स्टॉक वाइज निफ्टी बैंक निफ्टी में, निफ्टी में हमने एक स्प्रेड बनाया, वो स्प्रेड के साथ आप जा सकते हो, और इंडेक्स से अच्छा हमें स्टॉक वाइज जाना है। पर हम कल के लिए देखते हैं कौन से दो स्टॉक, सॉरी कल से दो सेक्टर अच्छे हैं। तो गाइस सबसे पहला जो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है वो है ऑटो सेक्टर। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, मारुति काफ़ी बढ़िया मुझे देख रहा है, मारुति मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मारुति 800 पक्का रीच होगा, आज मैंने 7,500 का कॉल लिया था, आई अर्न वेरी हैंडसम मनी ऑन 7,500 के कॉल पे। ऊपर विद इन 10 to 15 डेज में ऑलमोस्ट 10 to 12,000 आया है, बट मुझे मारुति काफ़ी बुलिश लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए ऑटो सेक्टर मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ऑटो सेक्टर ने एक बार फिर से अपने जो हाई है वो छू ले छू ये है, ये देखिए इसका हाई है, और ये इसका जो हाई था वो था 8 फरवरी 2021 में उसने लिया था, अभी इसी साल 7-8 महीने पहले ये इसने अभी ब्रेक करने के कगार पे है। तो अगर ये 11,031 अगर ब्रेक कर देता तो ऑटो में काफ़ी बढ़िया मुँह आ सकती है। सबसे प्यारे दो स्टॉक है टाटा मोटर्स और मारुति। अगर आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे और मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हो तो मैं नवरात्रि के 9 बेहतरीन स्टॉक देने वाला हूँ। उसका पहला एक आज मैंने स्टॉक दिया है टाटा मोटर DVR, जो मुझे 230-240 टारगेट लग रहा है आने वाले 1 से 3 महीने में। यहाँ से आप बाय करके जा सकते हो आपकी वित्तीय सलाहकार से बात करने के बाद। तो गाइस टाटा सॉरी ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर मुझे ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, यहाँ से ऑटो सेक्टर काफ़ी बढ़िया मूव दे सकता है। और ऑटो सेक्टर के साथ जो अभी दूसरा मुझे अच्छा सेक्टर लग, प्राइवेट बैंक क्यों लग रहा है मुझे गाइस, क्योंकि प्राइवेट बैंक में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे डबल बॉटम यहाँ पे इसने क्रिएट किया है, और प्राइवेट बैंक जो है ये देखिए डबल बॉटम क्रिएट कर गया है यहाँ तक तो और जा ही सकता है। प्राइवेट बैंक में सबसे प्यारी बैंक है ICICI बैंक भी मैं बुलिश हूँ, और प्राइवेट बैंक यहाँ से अच्छा मूव दे सकता है। कल आप प्राइवेट बैंक और ऑटो सेक्टर थोड़ा वॉच करके अच्छा मूव आपको आ सकता है, साथ साथ में रियलिटीज़ भी अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि रियलिटी सेक्टर भी काफ़ी बढ़िया मूव कर रहा है। तो रियलिटी, प्राइवेट बैंक और ऑटोमोबाइल ये अच्छे सेक्टर से यहाँ से हो सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं दो स्टॉक कौन से कल के लिए अच्छे हैं। तो सबसे पहला जिसे मैंने स्टॉक कहा था, मेरा प्यारा जो स्टॉक है गाइज वो है मारुति। मारुति यहाँ पे देखिए बड़ा राउंडिंग बॉटम बनाया था, ये बाद में बड़ा राउंडिंग बॉटम बनाया है, और राउंडिंग बॉटम क्या बोलते सब कप एंड हैंडलिंग पैटर्न बोल सकते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक 18,000 तक पक्का छुएगा ऐसा मुझे लग रहा है, 18,000 के साथ पक्का छू लेगा, पक्का किस करेगा 18,000 को। तो ये मैं काफ़ी बुलिश हूँ मारुति के ऊपर अब मैं बुलिश हूँ। मारुति का चार्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आज काफ़ी अच्छी मूव मारुति ने दिखाई है। तो मारुति में आप थोड़ा अगर प्रॉपर तरीके से वॉच करोगे मारुति पे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अब सेकंड स्टॉक गाइज मेरा कौन सा फेवरेट वो मैं बताता हूँ।
तो गाइज मेरा सेकंड स्टॉक जो फेवरेट है वो गोदरेज प्रॉपर्टी रियलिटी सेक्टर से, पहला ऑटो सेक्टर से। गोदरेज प्रॉपर्टी रियलिटी सेक्टर से क्यों फेमस है, यहाँ पे देखिए काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन कर रहा था और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज आया है, और जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया एक अच्छी खासी आज 8% ऊपर था, यहाँ से जो बाइंग आई है यहाँ पे कल भी बाइंग इसमें कंटिन्यूस हो सकती है, फॉलो अप बाइंग इसमें आ सकती है, और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में आपको 2500 तक जा सकता है। सेकंड, मैं जिन्हें फॉलो करता हूँ एक्चुअली संजू बसिन जी जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ वो भी काफ़ी बुलिश है गोदरेज प्रॉपर्टी को, उनको मैं सुनते आ रहा हूँ 920 रुपये से ऊपर, और मेरे पास स्टॉक भी 920 रुपये के साथ तब से है, आज भी मेरे पास स्टॉक है, मैंने स्टॉक इसमें रखा है, पर ये स्टॉक आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में, क्योंकि गोदरेज मुंबई महाराष्ट्र दिल्ली में काफ़ी बढ़िया बढ़िया उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो गोदरेज प्रॉपर्टी के ऊपर आप वॉच कर सकते हो। गोदरेज प्रॉपर्टी का कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेकआउट जिसको हम बोलते हैं डार्वस बॉक्स जो बोलते हैं, आपको दिखा दूँ क्या मैं अभी, एक मिनट, ये देखिए यहाँ से मैंने लाइन डाली है और यहाँ से मैंने लाइन डाली है जहाँ से वो थोड़ा ये बॉक्स जो बॉक्स था उसने बनाया था और बॉक्स से उसने ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए इसका ऐसा बोलते हैं ऐसा पोल भी है, ये पोल से ये थोड़ा फ्लैग भी इसने बनाया था, पर हम इसको फ्लैग पैटर्न नहीं बोलेंगे, हम इसको डार्वल बॉक्स पैटर्न बोलेंगे, बॉक्स पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये ब्रेकआउट अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है, फॉलोइंग बाय इसमें आ सकती है। तो गाइज ये थे मेरा पूरा विश्लेषण, वाह हिंदी में काफ़ी बढ़िया वर्ड मुझे मिल गया है, विश्लेषण, हाँ विश्लेषण, ये था मेरा विश्लेषण बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी इज मोर क्या बोलते हैं स्ट्रांग दैन निफ्टी। निफ्टी के ऊपर मैंने कल स्प्रेड बनाया, स्प्रेड ऑलरेडी मैंने बनाया, मैंने आज वो स्प्रेड लिया भी है, तो मैंने वो आज लिखा है, मैंने आज पूरा एक्सप्लेन किया प्रॉपर तरीके से कहाँ कहाँ पे ऑफ आएगा, वो कल सुबह 8:30-7 बजे आप देख सकते हो, आई एम श्योर कि आप उस पर अच्छा खासा अर्न करोगे, राइट। सेकंड सेक्टर्स, तीन सेक्टर मुझे प्यारे लग रहे हैं, रियलिटी, ऑटोमोबाइल और प्राइवेट बैंक, ये सारे सेक्टर मुझे अच्छे लग रहे हैं, उसमें ICICI बैंक मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। दो स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टी और मारुति, दोनों पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ। मारुति का टारगेट जैसे मैंने बताया 8000 मेरा टारगेट है, जो आने वाले 7 से 8 दिन में भी आ सकता है, ये जल्दी भी आ सकता है, आज जैसे अगर आज जैसी बाइक मिली तो जल्दी आ सकता है। और सेकेंड जो है